दोस्तों आज 23 अप्रैल 2019 मंगलवार का दिन है और आज पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बारे में एक ताजा रिपोर्ट आई है जिससे पूरे देश के नागरिकों पर असर पड़ेगा। साथ ही में जिन भी लोगों का जनधन वाला खाता है उन लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और एक नया नियम जारी किया है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में पेट्रोल डीजल को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही में आपको बताएंगे जनधन खाता को लेकर जो बड़ी खबर आई है, साथ ही में आपको बताएंगे आज की ताजा खबरें। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। दोस्तों पेट्रोल डीजल पर और जनधन खाते को लेकर जो बड़ी खबरें आई हैं उसके बारे में बताने से पहले आइए बताते हैं आपको आज की ताजा खबरें। पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक अब खुद चलकर आएगा आपके घर, SBI ने शुरू की डोर स्टेप सर्विस। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल भारत के इस युग में बैंकिंग से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। लोग घर बैठे ही बैंक से संबंधित तमाम काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए बैंक जाना ही पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है जो लोग बुजुर्ग है या जो लोग विकलांग है या जो लोग बैंकों में नहीं जा सकते। तो आपको बता दें देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक सर्विस शुरू की है जिसका नाम है डोर स्टेप सर्विस। जी हाँ दोस्तों, डोर स्टेप सर्विस में ग्राहक को ऐसी सुविधा दी जाएगी कि उसे बैंक आने की किसी भी काम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उसका काम होगा बैंक से एग्जीक्यूटिव जाएगा घर पर और घर बैठे ही विकलांगों का और दिव्यांगों का और बुजुर्गों का और भी जो विशेष लोग हैं उनका काम हो जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में सभी बैंक वाले इस सर्विस को लॉन्च करें। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र से या उनकी ब्रांच से पता कर सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारतीय क्रिकेटर्स को बड़ा झटका, सिर्फ 15 दिन ही साथ रख पाएंगे पत्नी और गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर्स को विश्व कप में पत्नियों और गर्लफ्रेंड का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए मिलेगा। आपको बता दें जो भारतीय क्रिकेटर हैं उन लोगों के लिए एक नया नियम बनाया गया है जिसके तहत उन्हें चलना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं अभी इंग्लैंड में एक वर्ल्ड कप मैच होने वाला है जिसके लिए भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन आपको बता दें जब वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और जब तक 3 हफ्ते नहीं होंगे तब तक वो अपनी पत्नी या अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास नहीं बुला सकते। 3 हफ्ते बाद भी भारतीय क्रिकेटर सिर्फ अपनी पत्नी को और अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ अपने पास 15 दिन ही रख पाएंगे। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनकी जो प्रैक्टिस है उनमें असर ना पड़े। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि फ्लिपकार्ट का शानदार ऑफर, 300 रुपए की EMI पर खरीदें स्मार्टफोन और 250 रुपए की EMI पर खरीदें स्मार्ट टीवी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी फ्लिपकार्ट पर एक बहुत अच्छी सेल चल रही है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारी चीजों पर काफी अच्छा ऑफर मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट द्वारा या अमेजोन द्वारा कोई सा भी स्मार्टफोन या कोई सा भी स्मार्ट टीवी या अपनी कोई भी जरूरत की चीजों को बहुत सस्ते दामों में यानी कि बहुत सस्ते EMI में खरीद सकते हैं। जैसे आप एक बड़ा टीवी यानी बड़ा LED टीवी आप सिर्फ 250 रुपए प्रति माह खरीद सकते हैं, साथ ही में आप कोई अच्छा स्मार्टफोन सिर्फ 300, 350, 400 रुपए प्रति माह में खरीद सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तब भी आप EMI पर सामान खरीद सकते हैं। तो आप एक बार अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में 990 रुपए में ओप्पो A5S भारत में हुआ लॉन्च, इसमें है नया मीडिया टेक हेलियो प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, बजट सेगमेंट में अपनी मजबूती बचाने के लिए चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन A5S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नए फोन का लुक फ्रेश नजर आता है, साथ ही इसमें नया प्रोसेसर भी शामिल किया गया है। आपको बता दें ये 2 वेरिएंट में आएगा, एक 2GB 32GB और एक 4GB 64GB इंटरनल के साथ। आपको बता दें इसकी कीमत 9,990 रुपए है, इसकी बिक्री मई 2019 में शुरू की जाएगी। इसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, टाटा क्लिक, पेटीएम मॉल से आसानी से खरीद सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि इस पद पर निकली है बंपर वैकेंसी, पाना चाहते हैं अच्छी नौकरी तो है सुनहरा मौका आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL ने बंपर वैकेंसी निकाली है। अगर आपके पास योग्यता होगी तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत भी नहीं है। आपको बता दें कुल 401 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019 है। बाकी आप अधिक जानकारी यानी कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी फीस लगेगी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि यहां टीवी फ्रिज पर मिल रहा है 40% का ऑफ, जाने और क्या क्या खरीदने का है शानदार मौका। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों का मौसम जा चुका है, ऐसे में शुरू होने वाली गर्मी में बेशक आप फ्रिज, कूलर, AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने की प्लानिंग बना रहे होंगे। आपको बता दें अगर आप इन सभी सामान को काफी सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं तो ई कॉमर्स कंपनी क्विकर आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। इसमें टॉप इलेक्ट्रॉनिक
सामानों पर 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी अगर कोई फ्रिज 10,000 रुपए का है तो वो फ्रिज आपको सिर्फ 6,000 रुपए में मिल जाएगा। ऐसे ही आप टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, कूलर ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप लैपटॉप ले सकते हैं, माइक्रोवेव ले सकते हैं। आपको इन सभी पर बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए क्विकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि जेवराती मांग बढ़ने से महंगा हुआ सोना, चांदी के दाम गिरे। आइए बताते हैं आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने पर 200 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोना 200 रुपए महंगा होने के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 32,870 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी पर 30 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। चांदी 30 रुपए सस्ता होने के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 38,570 रुपए है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि आईपीएल 2019 में बड़ा बदलाव, अब चेन्नई में नहीं बल्कि इस शहर में होगा फाइनल मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, 12 मई को खेले जाने वाले आईपीएल 2019 के फाइनल को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब खिताबी मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में ना होकर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। दरअसल पहले फाइनल चेन्नई में होना था, लेकिन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के 3 स्टैंड खोलने की अनुमति नहीं मिली है, इसीलिए अब जो आईपीएल का फाइनल होगा वो चेन्नई में नहीं बल्कि हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि मशहूर ताज होटल भारत के किस राज्य में है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बिल्कुल ताजा रिपोर्ट जी न्यूज की तरफ से लगाई गई है। आप अपनी स्क्रीन पर खुद भी पढ़ सकते हैं कि अमेरिका ईरान के तनाव से पेट्रोल हो सकता है महंगा, क्रूड के दाम आसमान पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिन सोमवार को भी पेट्रोल पर 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको बता दें अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हो रहा है, इस वजह से जो भारत में पेट्रोल आता है उस पर भी गहरा असर पड़ सकता है। और जो क्रूड के दाम है यानी जो कच्चे तेल है उनके दाम तो आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में धीरे धीरे करके ही सही 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कितनी की भी बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले वक्त के लिए आपको तैयार रहना है। अगर ये मामला नहीं सुलझा तो लोगों को आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें अभी बीते ही दिन पेट्रोल पर 5 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें जब पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो वो बहुत कम कम घटते हैं, लेकिन जब बढ़ने होते हैं तो लगातार बढ़ते जाते हैं और 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए तक 1 लीटर पेट्रोल पर दाम बढ़ जाते हैं। साथ में डीजल का भी सेम ऐसा ही मामला है। आने वाले दिनों में रिपोर्ट के मुताबिक डीजल के दाम भी काफी महंगे हो सकते हैं और इससे फिर से भारत के नागरिकों पर एक महंगाई का पहाड़ टूट सकता है। आपको बता दें साथ ही में बीते दिन एक और ताजा रिपोर्ट आई थी कि सब्जियों के दाम भी महंगे हो रहे हैं। साथ ही में आने वाले दिनों में दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें अगर फ्यूल महंगा होता है यानी पेट्रोल डीजल या सीएनजी वगैरह महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीजों पर असर पड़ता है, क्योंकि सारा सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हम तक पहुंचता है, इसीलिए सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होने लगती है। पेट्रोल डीजल को लेकर ये काफी बड़ी खबर आई है और साथ ही में बीते दिन सब्जियों को लेकर और दूध को लेकर बड़ी खबर आई थी। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सब्जियां हर कोई यूज करता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और पेट्रोल डीजल भी। दोस्तों आपको बता दें अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 73 रुपए 5 पैसे का मिलेगा। वहीं बात करें डीजल की तो बीते दिन डीजल की कीमतों में भी राजधानी दिल्ली में 7 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 7 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 66 रुपए 26 पैसे का बिक रहा है। बाकी अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके इंडिया के किसी भी शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। दोस्तों जनधन खाते को लेकर जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में बताने से पहले आप ये खबर देख लीजिए कि देखें वीडियो, पेट्रोल भराते समय बाइक की टंकी में लगी आग। जी हाँ दोस्तों, घटना ललितपुर के महरौनी माड़वाला रोड पर ग्राम कुआ घोसी के नजदीक का है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल भराते समय एक बाइक में आग लग गई। आग लगने से उसकी चपेट में बाइक सवार युवक और उसकी पत्नी भी आ गई और वो लोग झुलस गए। आपको बता दें बाइक का तो बुरा हाल हो गया। साथ ही में जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा था और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसपे क्लिक करके आप इस वीडियो को खुद भी देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल भरते समय आग लग गई। दोस्तों जनधन खाते को लेकर जो बड़ी खबर आई है आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर के जनधन खाते ने बनाया नया रिकॉर्ड, खाते में रकम बढ़ने पर मिला तोहफा। जी हाँ दोस्तों,
जनधन खाता एक योजना के तहत शुरू किया गया था और ये जनधन खाता पीएम मोदी ने शुरू किया था। आपको बता दें ये जनधन खाता खोलने की जो योजना थी वो कामयाब नजर आ रही है। आपको बता दें जल्द ही कुल खाते में जो जमा राशि है वो 1,00,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। जी हां दोस्तों, इस योजना को 5 साल पहले शुरू किया गया था। अब इसी के खुशी में कि इस योजना को कामयाबी मिल गई है, सरकार ने जनधन खाते वालों को खुशखबरी दी है। योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए दुर्घटना बीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, पहले दुर्घटना बीमा सिर्फ 1,00,000 रुपए मिलता, यानी किसी की दुर्घटना में अगर मौत हो जाती तो पहले सिर्फ 1,00,000 रुपए मिलते, लेकिन अब उस बीमा को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही में सरकार ने जनधन खातों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। तो दोस्तों आज 23 अप्रैल 2019 की ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।